सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ इंटीग्रल्स एंड वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी क्लास 12th। सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स व्हेनेवर वी हैव अ फंक्शन ऑफ टाइप fx into gx, product of two functions, and we are to integrate the product of two functions with respect to x, like, तो कैसे integration by parts का क्या concept है, कैसे apply करना है, कौन कौन सी situations बननी है, वो सारी discussion करेंगे। सबसे पहले formula क्या है, अगर दो functions की product है fx into gx, और आप लोग already कर चुके हो derivative का concept, आप कर चुके हो कि कैसे जो है वो जैसे u इंटू वी है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या था, u डी वी बाय डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स, ये कर चुके हैं। इसी तरह से इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं बाई पार्ट्स, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो एफ एक्स इंटेग्रल ऑफ जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे जी फॉर्मूला। कुछ रिमार्क्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। इट इज वर्थ मैंशनिंग दैट इंटीग्रेशन बाई पार्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इन ऑल केसेस, सभी केसेस में ही नहीं हम लोग कैलकुलेट कर सकते। कुछ एक एग्जाम्पल दी है उसने, फॉर इंस्टेंस द मैथड डज नॉट वर्क फॉर द इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स इन टू साइन एक्स डी एक्स, द रीजन इज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको इसके ऊपर बाई पार्ट अप्लाई नहीं होगा, हम लोग इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह सेकेंड रिमार्क्स उसने रिमार्क जो दिया है वो क्या है, ऑब्जर्व दैट वाइल फाइंडिंग द इंटेग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन वी डिड नॉट एड एनी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर जब हम जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो सेकेंड जो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटेग्रल के अंदर फर्दर इंटेग्रल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लगाते, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है सेकेंड रिमार्क के अंदर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कैसे लेना है। यूजली थर्ड रिमार्क जो दिया है उसने, इफ एनी फंक्शन इज अ पावर ऑफ एक्स और अ पॉलिनोमियल इन एक्स देन वी टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि जो बाई पार्ट्स का कंसेप्ट है इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है, ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर हम लोग सही जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सही तरीके से नहीं डिसाइड करते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर x के अंदर कोई पॉलिनोमियल है, पावर इन x है, एक्स स्क्वायर x है या x क्यूब है, तो उसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट दी है दो फंक्शंस की, उनमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथम फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम के केस में हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नो को और लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है जब सॉल्व करते हैं। एक और टाइप है हमारे पास इंटीग्रेशन की, कि अगर ऐसी कोई टाइप आ जाए, e रेस टू पार एक्स, इंटेग्रल ऑफ e रेस टू पार एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेस टू पार एफ एक्स प्लस सी। तो ये भी फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बाई पार्ट्स। इसमें अभी अभी डिस्कस हुआ है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एक्स में, पॉलिनोमियल एक्स में है, तो उसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। मतलब अगर पॉलिनोमियल है जिस जैसे फंक्शन एक्स में है, तो एक्स में पॉलिनोमियल एक्स है पावर 1 वाली, तो इनटू साइन एक्स, एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे, एक्स इनटू अभी अभी फॉर्मूला लिखाया है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमने एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करनी है इंटीग्रेशन की, तो कैसे करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज एफ एक्स एज इट इज रहेगा, इंटेग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ डैश एक्स
integral of gx dx, again integral of the product of these two functions. हाँ जी, यहाँ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. अब नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, माइनस एज इट इज साइन एक्स की डेरिवेटिव वन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स. नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस बार आ जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स. सो फाइनल आंसर इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको आपने नहीं बोलना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं. एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसमें फिर पॉलिनोमियल आ गई है. पॉलिनोमियल को फिर से हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ई रेज टू पावर एक्स को सेकंड फंक्शन लेंगे. एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, फर्दर ब्रैकेट के अंदर है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. इसकी इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में, तो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, टू एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर, तो ई रेज टू पावर एक्स ही आ गया डी एक्स. और अब ये एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स एज इट इज माइनस टू कॉमन आ जाएगा एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. यहाँ पर सेकेंड टाइम हम लोग जो है वो अप्लाई करेंगे बाई पार्ट्स, एक्स इंटू ई पावर एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन. एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस टू कॉमन है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, दोबारा से इंटीग्रेट करोगे फिर ई पावर एक्स ही आएगा. तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू टाइम्स एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, डेरिवेटिव भी ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ई पावर एक्स कॉमन ले लिया है और हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी. ये फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिस्कस करते हैं, एक्स इंटू लॉग टू एक्स. अब लॉग आ गया है, आपको बताया जा चुका है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब लॉग आता है देन वी विल टेक लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट पार्ट. तो ये फर्स्ट फंक्शन हमने इसको कंसिडर कर लिया है लॉग टू एक्स को, लॉग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. लॉग टू एक्स एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस लॉग टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, वन ओवर टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स दैट इज टू, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू, सिंप्लीफाई करके एक्स ही बच रहा, तो एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, लॉग टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ओवर टू तो आएगा, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू आएगा, साथ में वन बाई टू आ रहा है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर टू इंटू लॉग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स. हेयर अगेन वी विल टेक साइन इनवर्स एक्स एज फर्स्ट फंक्शन एंड एक्स एज सेकेंड फंक्शन. सो साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन. साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आएगा, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव बड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है, अंडर रूट वन ओवर अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर ओवर टू डी एक्स. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यस, सो वी विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इंटीग्रल एज आई वन, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर वन माइनस अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स.
नाउ वी विल सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। जब भी हमारे पास अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जब भी हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग टैन पुट करते हैं, टैन या कॉट। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन कहीं दिखता है तो वहां ज्यादातर सब्स्टिट्यूट किया जाता है वहां पर सीकेंट या कोसेकेंट थीटा। जहां एक्स को साइन थीटा पुट किया है फिर लास्ट में हम लोग थीटा को रिप्लेस भी करेंगे साइन इनवर्स एक्स के साथ। डी एक्स किसकी इक्वल आ गया, कॉस थीटा डी थीटा। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो बच रहा है कैंसिलेशन करके साइन स्क्वायर थीटा है, वहां हमने आइडेंटिटी लगा दी है वन माइनस कॉस टू थीटा ओवर टू डी थीटा। वन बाय टू कॉमन ले लिया है, वन की इंटीग्रेशन थीटा है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, कॉस थीटा की जो है कॉस टू थीटा की आ रही है साइन टू थीटा ओवर टू, माइनस का साइन एज इट इज प्लस सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वन बाय टू थीटा माइनस टू टाइम साइन थीटा कॉस थीटा ओवर टू प्लस सी वन, ये टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, वन बाई टू बाहर रहेगा, थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वापस हमने थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और साइन की थीटा की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स इंटू अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इक्वेशन नंबर वन जो है उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। इक्वेशन नंबर वन हमारी ये थी, एक्स स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर वन और टू, टू से इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर टू से वो यहाँ पुट कर देनी है, और सिंपलीफाई करके एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर फोर अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें से साइन इनवर्स एक्स ओवर फोर कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स इन टू अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एट्थ क्वेश्चन, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे टेन इनवर्स एक्स को। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर ओवर टू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर ओवर टू टेन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस वन बाई टू कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक बार, एक्स स्क्वायर ओवर टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, एक बार ऊपर हमने प्लस कर दिया वन, एक बार माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर सेम, हमने जैसा डिनोमिनेटर था वैसे ही न्यूमिनेटर में एक टर्म बना ली है डी एक्स सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर ओवर टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू सेपरेट कर दिया है डिनोमिनेटर को, वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर ओवर टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू कॉमन ले लिया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा, वन मीन्स डी एक्स। और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस वन बाई टू को प्लस वन बाई टू, इंटेग्रल ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर टू टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ वन डी एक्स इज एक्स, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स, वन बाई टू पहले था माइनस एक्स ओवर टू प्लस वन बाई टू, इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की टेन इनवर्स एक्स, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई है। ये कम्प्लीट हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट्थ, क्वेश्चन नंबर टेंथ की डिस्कशन करते हैं, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग थोड़ा अदर वे से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को वाई पुट किया है, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई, एंड आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स एक्स विल बी रिप्लेस्ड विद वाई। सो तो आई किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई डी वाई, वाई स्क्वायर इंटू, अब वाई पार्ट सप्लाई करना है यहाँ पर भी फॉर्मूला, तो वाई स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कॉस वाई को सेकंड फंक्शन लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ऑफ कॉस वाई
माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर इंटू इंटेग्रल ऑफ कॉस वाई होल इंटेग्रल, वाई स्क्वेयर कॉस की इंटीग्रेशन साइन वाई है, माइनस वाई स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन टू वाई है, इंटीग्रेशन कॉस वाई की साइन वाई है डी वाई। फिर दोबारा से टू कॉमन लेके बाई पार्ट अप्लाई होना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इंटेग्रल। तो ये सिंप्लीफाई करके वाई स्क्वेयर इंटू साइन वाई माइनस टू टाइम्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई क्या होती है, माइनस कॉस वाई। सो अगेन माइनस कॉस वाई, माइनस माइनस जिस प्लस हो जाएगा, और बाहर से माइनस जो आना है उसने माइनस टू कर देना है इसे, माइनस टू टाइम्स इंटेग्रल ऑफ कॉस वाई, ये मल्टीप्लाई माइनस टू ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, प्लस टू वाई कॉस वाई। बाकी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहा, वाई स्क्वेयर प्लस साइन वाई फर्स्ट टर्म एज इट इज रही, प्लस टू वाई कॉस वाई माइनस टू साइन वाई प्लस सी। अब पूरी इस ये एक्सप्रेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्ट करना है, जो सब्सटीट्यूशन स्टार्टिंग में की थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स किसकी इक्वल होना साइन वाई के, जहां जहां साइन वाई है वहां वहां एक्स आ जाएगा, यहाँ वाई है वहां साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। कॉस को हमने पहले लिख दिया है अंडर द रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर है वाई कॉस वाई को, ताकि साइन वाई की जगह एक्स लिख सके, माइनस टू साइन वाई रिप्लेस कर दिया, जहां वाई लिखा था वहां साइन इनवर्स एक्स, जहां साइन वाई लिखा वहां एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स लिख दिया क्योंकि टू वाई था, अंडर द रूट वन माइनस साइन साइन स्क्वेयर वाई था तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, टू माइनस टू साइन वाई था तो माइनस टू एक्स प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है, और ये इस तरह से आपने रिप्लेस करना नहीं भूलना जो सब्स्टिट्यूशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स इंटू कॉज इनवर्स एक्स ओवर अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। कॉज इनवर्स एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई, एक्स विल बी इक्वल टू कॉज वाई, डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स सॉरी माइनस साइन वाई डी वाई। पूरी एक्सप्रेशन वाई में कन्वर्ट हो जाएगी, आई क्या बन जाएगा, एक्स की जगह कॉज वाई आ जाएगा, कॉज इनवर्स एक्स की जगह वाई आ जाएगा अंडर द रूट वन माइनस कॉस स्क्वेयर वाई, एंड डी एक्स की जगह पर माइनस साइन वाई डी वाई। सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद नेगेटिव माइनस कॉमन ले लिया है, वाई इंटू कॉस वाई डी वाई ही बचेगा, ये वाला साइन जो है साइन वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इसके ऊपर बाई पार्ट अप्लाई करना है, वाई इंटू कॉस की इंटीग्रेशन साइन वाई होती है, माइनस वाई की डिफ्रेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू वाई साइन वाई। तो जब इसको हमने इंटीग्रेट किया है, माइनस वाई साइन वाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस तो है साइन की, फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई आ जानी है, इसलिए वाई माइनस वाई साइन वाई माइनस कॉस वाई प्लस सी। साइन वाई को पहले लिख दिया अंडर द रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ताकि बाद में हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट करना है, माइनस कॉस वाई प्लस सी। यहाँ वाई है वहां कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया है, यहाँ वाई कॉस वाई है वहां एक्स आ जाएगा अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा सिंपल है, बाई पार्ट्स करना है सॉल्व, एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेकंड स्क्वायर को सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स होल इंटीग्रल, देन एक्स इनटू सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है टेन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन एंड सेकंड स्क्वायर इंटीग्रेशन टेन एक्स, देन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस सी। यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 13th क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब एक ही फंक्शन है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स आ जाए या इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आ जाए या साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तो उसमें हमने साइन इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन लिया होता है, सेकंड फंक्शन साथ में वन लगा के टेन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सिंप्लीफाई करके हमने 1 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कौन सी फॉर्म बन गई है, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहली टर्म एज इट इज है x इंटू टेन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
फोर्टींथ क्वेश्चन, x इंटू लॉग एक्स होल स्केयर डी एक्स, लॉग एक्स को पुट करते हैं y, x किसके इक्वल हो जाएगा e पावर y, डी एक्स भी क्या आ जाएगा e पावर y डी वाई। तो पूरी एक्सप्रेशन को y में कन्वर्ट कर दिया हमने, y e पावर y दो बार आ रहा है, इसका मतलब e पावर 2y हो गया इंटू वाई स्केयर डी वाई। अब वाई स्केयर पॉलिनोमियल है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e पावर y e पावर 2y माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर वो 2y आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2y की आ जाएगी e पावर 2y ओवर 2। तो ये सिंप्लीफाई करके वाई स्केयर इंटू ई पावर 2y ओवर 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया y इंटू ई पावर 2y डी वाई। यहाँ दोबारा से y पावर सप्लाई होना है, दोबारा से सिंप्लीफाई करके आ गया वाई स्केयर ओवर 2 इंटू ई पावर 2y माइनस y बाई 2 इंटू ई पावर 2y प्लस 1 बाई 2 इंटू ई पावर 2y ओवर 2 प्लस सी। इसको x में भी रिप्लेस करना है, इन टर्म्स ऑफ x हमने शिफ्ट करना है लास्ट में, वाई स्केयर ओवर 2 इंटू ई पावर y रेज टू पावर 2 y ओवर 2 इंटू ई पावर y रेज टू पावर 2 प्लस 1 बाई 4 ई पावर y रेज टू पावर। ई पावर y किसके इक्वल था x के, जहां ई पावर y है वहां x आ जाएगा, जहां y है वहां log x आ जाएगा। पूरा हमने पूरी टर्म्स को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, तो x स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर 2 log x प्लस x रेज टू पावर 4 ओवर 4 सॉरी x रेज टू पावर 2 ओवर 4 प्लस c, यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, दिखाई दे रहा है लॉग एक्स आ गया है। तो जब भी लॉग एक्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए उसे फर्स्ट फंक्शन लेना है, लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स। ये सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड आई है, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स माइनस ये कैंसिलेशन करके एक्स स्क्वायर ओवर 3 प्लस 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, बार नेगेटिव है, एक्स क्यूब ओवर 9 माइनस 1 की इंटीग्रेशन माइनस एक्स है, एक्स थी तो बार से नेगेटिव मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस सी। ये फाइनल आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का, एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस सॉरी प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 9 माइनस एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं, एक टाइप है बड़ी पर्टिकुलर कि जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आए कि ई रेस्ट इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या है, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कॉज एक्स मीन्स साइन एक्स एफ एक्स है और कॉज एक्स एफ डैश एक्स है, तो इसकी इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं फर्दर। 17th क्वेश्चन, एक्स इंटू ई पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, हमने एक्स की जगह क्या कर दिया है, 1 को ऐड कर दिया है, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो फर्दर सेपरेट कर दिया है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन इसकी कर रहे हैं हम लोग, से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स ये वही फॉर्म बन गई है कि एफ एक्स e raised to power x into fx plus f dash x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e power x into fx, तो e power x into 1 over 1 plus x plus constant of integration c, तो ये फाइनल आंसर है e power x over 1 plus x plus c constant of integration। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेम टाइप का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, e power x 1 plus sin x over 1 plus cos x dx, 1 प्लस साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सेपरेट कर दिया है 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बाकी सब कुछ वैसे ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1 ओवर
1 over 2 cos square x by 2 plus 2 times sin x by 2 cos x by 2 over 2 cos square x by 2 into dx. e power x ये न्यूमिरेटर में चला जाएगा, secant square x by 2 बन जाएगा plus tan x by 2 बचेगा कैंसिल करके dx. ये भी tan x by 2 को पहले लिख रहे हैं क्योंकि tan x by 2 की डिफरेंशिएशन है 1 by 2 secant square x by 2. तो ये वही फॉर्म बन गई है e power x integral of e power x into fx plus f dash x dx is equal to e power x f of x plus c. तो fx कितना है tan x by 2, तो इंटीग्रेशन क्या आएगी e power x into tan x by 2 plus c, ये फाइनल आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20th भी है उसी तरह का, x माइनस इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इनटू e पावर x dx. जहां भी e पावर x देखे आपको तो वहां चांसेस हैं कि ये फॉर्म बन सकती है. मिसलेनियस में क्वेश्चन मिलेंगे हमें और जिसमें e पावर x की जगह e पावर 2x भी आएगा, तो यहां पर ये सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन. e पावर x इनटू x माइनस 3 को सिप्लिट करके लिख दिया गया है x माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाना था हमने, सेपरेट कर दिया है. सेपरेट करने के बाद एक पावर कैंसिल हो गई है, यहाँ पहली टर्म में 1 ओवर x माइनस 1 का 1 ओवर x माइनस 1 की पावर 2 रह गई है. इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इनटू 1 ओवर 1 माइनस x पावर 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स x माइनस होल क्यूब dx. तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस 2 ओवर 1 प्लस x क्यूब आ रही है. कि अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है माइनस 2 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब. तो फिर वही फॉर्मूला e रेस टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c. तो एफ एक्स कितना था 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सी. तो फाइनल आंसर इज ई पावर एक्स ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 21. ई पावर 2x इनटू साइन एक्स डीएक्स. यहां पर ई पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स को सेकंड. ई पावर 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस एक्स. इसी तरह से ई पावर 2x की डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ई रेस्ट पर 2x माइनस कॉस एक्स, ये क्या है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स. इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये सेकंड टाइम यहाँ पर अप्लाई होना है बाई पार्ट्स. तो ई पावर 2x इंटू साइन एक्स बच गया था, सॉरी ई बार प्लस का साइन आ गया प्लस 2, ई पावर 2x कॉस एक्स बचा था. तो यहाँ बाई पार्ट्स अप्लाई किया, ई पावर 2x एज इट इज कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस दोबारा से ई पावर 2x की डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ई रेस्ट पर 2x कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स. जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 कॉमन लेके हमारे पास, हाँ जी 2 ई रेस्ट पर 2x साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4 टाइम्स ई रेस्ट पर 2x साइन ई रेस्ट पर 2 साइन एक्स. इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पर 2 साइन एक्स क्या होगा, ये आई है तो माइनस 4 आई. इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो 5y हो गया. राइट हैंड साइड क्या बचा, e रेस्ट पर 2x हमने कॉमन ले लिया, 2 sin x माइनस cos x प्लस c. 5 के साथ हमने डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, i क्या बच गया e रेस्ट पर 2x ओवर 5 इंटू 2 sin x माइनस cos x c ओवर 5. तो c ओवर 5 क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यही जो है वो हमारा फाइनल आंसर है, ये वाला फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx. x को tan पुट किया है क्योंकि 1 प्लस x स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो x को tan पुट किया है tan थीटा. थीटा को फर्दर लास्ट स्टेप में रिप्लेस करने के लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा d थीटा. सारी जगह हमने रिप्लेस कर दिया है x को इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो dx की जगह secant स्क्वायर थीटा आ गया. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है secant स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये secant स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बन गया, ये secant स्क्वायर थीटा बाहर था, ये थीटा की जगह अंदर है, यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग. यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कई बार कि नीचे secant स्क्वायर थीटा आ रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं ये
एंगल है ये अंदर, इसको लग सिंपलीफाई करना है बाहर सीकेंट स्क्वेयर थीटा को लग, अंदर सिंपलीफाई करके क्या बचा साइन टू थीटा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन टू थीटा, टू कॉमन ले लिया थीटा बजा सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर चुके हैं, वहां से आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, एमसीक्यू है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर इनटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स। जस्ट एक्स क्यूब को हमने वाई पुट किया है, थ्री एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री डी वाई। पूरी एक्सप्रेशन को वाई में कन्वर्ट कर देना है, रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ई पावर वन बाई थ्री इंटू ई पावर वाई बचना है, उसकी इंटीग्रेशन ई पावर वाई होता है, तो वाई को लास्ट स्टेप में रिप्लेस कर देना एक्स क्यूब। फाइनल आंसर है ई रेज टू पावर एक्स क्यूब और थ्री प्लस सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू सीकेंड एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। सीकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये क्या है वही फॉर्म बन गई है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो सीकेंड एफ एक्स है, सीकेंड एक्स टेन एक्स एफ डैश एक्स है, इंटीग्रेशन क्या आ गई ई रेज टू पावर एक्स सीकेंड एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी जो है इसका फाइनल आंसर है, इससे पहले वाले की ऑप्शन ए जो थी वो करेक्ट ऑप्शन थी, हमने सॉल्व करके देख लिया है। सो ये आपकी एक्सरसाइज 7.6 थी। इसी के साथ ही ये वाला इस लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।